Will Delhi Capitals shake this IPL 2020 edition? आज का हमारा टॉपिक बहुत मजेदार शानदार है और होने वाली है बातचीत करुण जेटली के साथ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड, फॉर्मर कैनेडियन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द स्पेशल एपिसोड और उनके साथ हमारे हर्ष दिल अजीज और बड़े मशहूर किस्म के एनालिस्ट लकी सिंह भी शामिल है। दोनों को थोड़ी देर में शामिल करते हैं लेकिन इससे पहले कि मैं ये करूं आप लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। वी विल बी राइट बैक। लकी सिंह, करुण जेटी, वेलकम टू द शो। कैसे हो सलमान भाई? Thank you guys. Thank you. First of all, thank you Badshah team, Salman bhai and Lucky Singh paaji. Glad to be on Badshah. Bilkul sir, it's a pleasure having you. Lucky, aapko to pata hai Karun apna bhi ek zabardast show karte hain, Cricket Chat with Karun, aur bade zabardast kism ke analysis usme hote hain. IPL bhi cover kar rahe hain, World Cricket cover karte hain, to main ye kahunga jo dekhne wale hain baad mein is show ko khatam hone ke baad jab aap Badshah ki sari 300 videos dekh chuke ho to Karun ke bhi zarur jaake channel zarur dekhiyega for sure. Karun, bahut shukriya judne ka. लकी से शुरू करता हूं मैं, हमेशा से मेरी पुरानी आदत है लकी से शुरू करने की। लकी, मैं आपकी तरफ जाता हूं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की आपने पहनी हुई है टूक, देखने आए हैं आप आईपीएल, क्या चल रहा है ये दिल्ली कैपिटल वाली हरकत कर रहे हैं आप हिलाने की कि यंगस्टर भरे हुए हैं और घुस के जो है वो सीएसके और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों को चैलेंज करेंगे, क्या कहते हैं? स्टार्ट अब यूनाइटेड से हुआ तो पहले ये बता दूं कि कल यूनाइटेड का प्रीमियर लीग का मैच है तो आज से ही सपोर्ट शुरू है उनके लिए। और दिल्ली कैपिटल्स की बात आ गई तो अब बच्चों की बात आ गई। ये टीम भरी हुई है पूरी बच्चों से, कहते हैं ना खोलता हुआ खून है ये। अब ये कहां बरसेगा, किसको ले डूबेगा, ये सिर्फ वही सलमान जो हमारी दो पिछली पिछले एपिसोड्स में बात हुई है कि बस ये एक एक या दो दो गेम्स अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में खेल लेंगे तो इनको खुद पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है, इनको क्या चाहिए। बस वो कंडीशंस में ये बस अपने आप को ढालना बाकी है इन्होंने। अदरवाइज दी गाइस आर यंग एनफ टू यू नो लिफ्ट एवरीबॉडी हियर। आठों की आठों टीमें जबरदस्त हैं लेकिन यंग लड़के ये यंग लड़के कुछ हलचल करेंगे इस बार। हाँ अच्छा करुण, आपकी तरफ आता हूँ। लक्की कह रहे हैं कि यंग लड़के हलचल करेंगे और जज्बा भी होगा, जोश भी होगा, एनर्जी भी होगी, लेकिन क्या एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी दिल्ली कैपिटल को जो उनके पास थोड़ा सा कम है? लिस्टों पे टीम की आप लोगों की बाद में आएंगे लेकिन मैं पहले आपसे कमेंट ले लूं। यार एक्सपीरियंस इस टाइम पे एक्सेप्ट चेन्नई सुपर किंग्स, अगर आप एक्सपीरियंस एज को मानते हैं तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुंबई इंडियन के पास भी नहीं है। एक्सपीरियंस आता है कितनी क्रिकेट आप खेल चुके हैं, कितनी T20 खेल चुके हैं, कितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट आप खेल चुके हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स ने लास्ट ईयर जो दिखाया उन्होंने, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, ऑल थ्री टीम्स, इनका था 9 wins 5 losses 18 points। तो दिल्ली कैपिटल ने लास्ट ईयर ऑलरेडी दिखा दिया है कि भैया हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपना नाम चेंज किया है, तभी तो स्लोगन है ये है नई दिल्ली। हाँ सही बात, दिस इज न्यू दिल्ली, हम आ गए हैं यहाँ पे, हमने अपना मोटो चेंज कर लिया, अपना मोटिव चेंज कर लिया है, पैथ चेंज कर लिया है, हम यहाँ पे हैं आगे जाने के लिए। हमें एक्सपीरियंस से फर्क नहीं पड़ता है, हमें कौन किस लेवल पे खेल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम जीतने के लिए आए हैं, हमने उसी हिसाब से टीम बनाई है। तो एक्सपीरियंस जो है वो इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर, सही बात है। लेकिन लकी करुण कहते हैं कि यह है नया दिल्ली, अब लातों में आपकी टीम लिस्ट, आपने कहा स्टार्टिंग 11 में ये लड़के खेलेंगे, इसमें नया दिल्ली किधर नजर आ रहा आपको? नई दिल्ली पूरी नई दिल्ली है, बस शिखर धवन और आप रहाने को देख ले, उसके अलावा सारी ये नहीं है, सब बच्चे एक लेवल के यंग जनरेशन टाइप हैं। हाँ अमित मिश्रा की थोड़ी सी उम्र ज्यादा होगी वैसे, बट आप चेक करो संदीप लामिछाने, ये हर हर जगह फैला हुआ है। इसको अभी नेपाल के नाम पे देखें, नेपाल में उतनी क्रिकेट हो नहीं गई है लेकिन लामिछाने ये पूरी दुनिया में खेल रहा है। तो ये हर जगह जाके एक्सपीरियंस अपनी एज के हिसाब से हो या क्रिकेट के हिसाब से हो ये बटोर रहा है। अब यही चीज यहाँ पे इसको काम आने वाली है बिकॉज ये खेल रहा है। तो अभी के हिसाब से नो डाउट आप चेक करें और नाम, ये हिटमायर अभी सीपीएल खेल रहे थे, बिल्कुल इनको ये फायदा है सलमान कि ये यंग लेग्स हैं और 7-8 महीने से जो जो इंडियन लड़के खेले नहीं है वो तो वैसे फिट है, मतलब हाँ मेंटली फिट कि भाई हमने तो
बस यही आईपीएल ही है जिसमें अब 9 मैचेस या 18 मैचेस का पूरा जोर लगा देना। तो डेफिनेटली सलमान, ये पिछले साल के लड़के देखो, चेक करो आप, अय्यर का बल्ला क्या खूब चला था, अब पृथ्वी शॉ है, अब शिखर धवन इधर आए हैं, तो ये एक कह लो कि इनके यंग में एक कहते हैं ना थोड़ी सी सीनियोरिटी वाली मिसावट, ये दो हैं धवन और रहाणे, अब ये कैसे यूज करेंगे ये टीम, ये एक दो मैचेस में इनको अलग अलग खेल के पता चल जाएगा डिफरेंट कंडीशंस में। लेकिन आप ही पे रहता हूं मैं, आप ही की टीम है पिक की हुई, आपके ख्याल में शिखर धवन रिहाने हेटमायर के अराउंड बैटिंग रिवॉल्व करेगी दिल्ली कैपिटल्स? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इनके लिए भी ये जगह नहीं है, नो डाउट कि ये इंटरनेशनली हर जगह खेल के आए हुए हैं, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो ये ऑल टाइम रेडी वाली बात आती है, बट स्टिल जब आप एक बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पे जाके पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेलोगे तो डेफिनेटली वहां पे इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू जो बैटिंग थी वो बैटिंग एक स्पॉट होता था, तो आप वहां पे बैट्समैन बॉलर लेते थे, अब यहाँ पे जो होगा बॉलर बैट्समैन की तरह ऑलराउंडर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ की पिचेस थोड़ी स्लो है और इनकी मतलब आप चेक करें पीएसएल का स्कोर, राइट 180 70-80 तो बहुत बड़ा पार स्कोर हो जाता था यहाँ पे, बहुत बड़ा स्कोर हो जाता, सही बात, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है कि आप बॉलर बैट्समैन लेके चलेंगे एज एन ऑलराउंडर, और इन उस हिसाब से तो दिल्ली कैपिटल के पास यंग लड़के बहुत हैं, और प्लस ये आप कोई भी टीम पलटाओ सलमान, एक या दो नाम सीनियर्स तो आएंगे ही क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल भी चाहिए होती है, नो डाउट 120 बॉले हैं, बट हमने पीएसएल में देखा है चार चार पांच पांच विकेटें 35 रनों पे गिरी हुई, तो वहां पे ये सीनियोरिटी की जो हम बात कर रहे हैं इन अ सेंस कि इन्होंने इंटरनेशनली बहुत कुछ खेला, तो ये एक्सपीरियंस भी काम आएगा वहां पे, डेफिनेटली आएगा। अच्छा लकी, थोड़ा मैं बैटिंग की तो बात हम कर ही लेंगे, करते रहेंगे, करुण से भी करेंगे, बॉलिंग की तरफ थोड़ा आता हूँ आपकी टीम में, रबाडा लमिशाने ईशान, ये तो नाम ऐसे हैं जो आप हर टीम में लोगे, इनको कौन सपोर्ट करेगा? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो गैप लग रहा है इनकी बॉलिंग में। अमित मिश्रा और स्टॉइनस ये दोनों उसी लेवल पे हैं, लामिछाने के साथ मिश्रा आएगा, और अब पांच, हाँ इस बैटिंग लाइनअप में पांच पर्टिकुलरली पांच मैंने इसलिए लिए सलमान की एक तो नई जगह है, अब इनमें से अगर कोई नहीं चलेगा, हाँ एक थ्रेट आता है वहां पे कि छठा कौन होगा, लेकिन बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू पांच बॉलर ये लेके इसीलिए खेलेंगे कि भाई एक तो नई जगह है और ऊपर से यहाँ पे बॉलर ने काम किया हुआ है, छठा बॉलर में ले सकता था लेकिन मेरा ऑलराउंडर यहाँ पे छूट रहा है, वो अगर मैं लामिछाने को हटाता हूं तो मुझे बाहर का ही एक डालना है, तो मेरे मेरे हिसाब से कीमो का जगह बनती थी लेकिन मैंने उसको हटाया है क्योंकि स्टॉइनस है वहां पे, मैं पांच ही अभी परफेक्ट लेके चल रहा हूं, शायद कभी रहाणे ने भी करी है शायद स्पिन कहीं एक दो ओवर के लिए शायद, बहुत ही कम, बहुत कम, बहुत ही कम, या बहुत कम। अच्छा आखिरी सवाल लगी आपकी टीम पे, ये सवाल थोड़ा इंडिया की टीम से जाके जुड़ता है, पंत को पता है कि धोनी रिटायर हो चुके हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है पंत के पास इस साल आईपीएल में, मैं आईपीएल से थोड़ी हटके बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत के लिए, एक सेकंड के लिए आप ना अगर धोनी का नाम भूलते भी हो ना, इसी टीम में एलेक्स कैरी भी है ऑस्ट्रेलिया का कीपर, अब आप पंत को ये लेके चलो कि अगर वो अपनी जगह बनाए रखना चाहता है तो कैरी से अभी बचना है उसको, मैं धोनी तो बहुत दूर की बात हो गई ना, अब आप समझे मेरा टॉपिक, क्योंकि अब अगर आप इस लड़के को अगर चांस कंटिन्यूअसली दे रहे हो, आप चेक करो पिछले साल क्या हुआ था, ऋषभ को चांसेस मिले हैं इसने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है अब फिर से मिलेगा नो डाउट, पूरा चांस मिलेगा, पूरा का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मैच ही खेलेगा, फ्रेंचाइजी ने जब पैसा उसके ऊपर कैरी के ऊपर भी लगाया है तो डेफिनेटली सलमान वो इन होने को तैयार बैठा है, दो या तीन मैचेस अगर ऋषभ नहीं चलेगा तो डेफिनेटली दीज गाइज आर कमिंग इन, ये वो भी बड़ा नाम है, बिल्कुल एलेक्स कैरी वो फॉर्म में है, आप कभी सलमान ये भी सीन आ सकता है कि ये दोनों खेले, अगर ये दोनों चल रहे हैं तो, अगर कोई और बैट्समैन नहीं चल रहा फॉर एग्जाम्पल कर ले धवन नहीं चल पा रहा या आपका हम जिस सीनियर रहाणे नहीं चल पा रहा तो इनके पास वो ऑलराउंडरशिप की बैटिंग लाइनअप है, बिल्कुल बिल्कुल, तो धोनी को अभी दूर छोड़े पंत के लिए अभी कैरी इज द ऑप्शन, उसको कैरी करने चलेंगे, बहुत अच्छा है कैरी को लेके वो सलमान कैरी कर सकते हैं, एक थ्रेट अपनी ही टीम में बैठा है ना, तो आप अभी इंटरनेशनल मैचेस को दूर रखें क्योंकि आपको 18 मैचेस खेलने हैं,
नौ टीमें सोलह मैचेस, राइट, आठ टीमें सोलह मैचेस, सॉरी, तो 14 मैचेस में आपको वो परफॉर्म करना है कि आपकी जगह फ्यूचर में बन पाए इंटरनेशनली इंडिया में, नो डाउट. अब वो रिटायर हो रहे हैं, आप ही का चांस बनता है, लेकिन आपको ये भी प्रूव करना है कि आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या कर रहे हो. सही बात. और दिल्ली कैपिटल्स की जब बात है कि तो लाते हैं दिल्ली के बंदे, अपने ही होम ग्रोन दिल्ली स्टार करुण जेटी साहब, आपकी टीम, ये आप स्टार्टिंग 11 करुण आपने कही है, इसमें धवन है, पृथ्वी शाह है, श्रेयस अय्यर कैप्टन ही है, ऋषभ पंत है, हेटमायर है, स्टोइनिस है, अक्षर पटेल है, रवि अश्विन को ले आए आप, और ये जो लकी की टीम से डिफरेंस नजर आया, रबाडा है, लमी शाह है, ईशांत शर्मा. सो मैं कहूँगा इसमें एक दो बखा में शायद अक्षर और पृथ्वी, अपना रवि अश्विन, ये दो नाम डिफरेंट लकी की टीम से. क्या इसमें क्या रीजनिंग क्या है आपकी? या सलमान भाई, या सबसे पहले तो आप देखें कि आप अगर टॉप फाइव हमारा देखें, दे ऑल यंग प्लेयर्स हैं, सारे सब एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं, एक्सेप्ट शिखर, वो क्रिकेट ज्यादा खेले हैं लेकिन एज में और दिल में वो सिमिलर अभी भी बच्चे ही हैं, अभी भी दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव. लाइक यू नो कि जैसे अगर आप अगर बड़ी पिक्चर में आप देखें, मैंने आपके पहले भी शोज देखे हैं और सारा बात किया, बड़ी पिक्चर में देखें कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल को खेल रहे हैं, उनके लिए आईपीएल तो एक चीज है ही है, ऊपर से एक चीज है कि हमने इंडियन कलर्स में जब जाना है तो वी हैव टू परफॉर्म, तो दिस इज आवर प्लेटफॉर्म. तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, भले वो शिखर धवन हो, भले वो विराट हो, भले वो अजिंक्य रहाणे हो, दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू गो अप. तो अब टीम की अगर बात करें तो आप ऊपर से देखो, शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. श्रेयस अय्यर ने इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, विच इज नंबर फोर स्पॉट, काफी टाइम से ही चलती आ रही है, उसने वो सॉल्व कर दिया. तो एज अ कैप्टन इस टाइम पे नंबर थ्री पे खेल रहे हैं, तो ही इज अ रिलायबल बैट्समैन. वो टाइम लेके खेलते हैं अपना, वो एकदम से आते रन नहीं मारते हैं, बिकॉज आप पहले दो देखें, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, और श्रेयस के बाद के दो प्लेयर देखें, ऋषभ पंत और शिमरन हेटमायर, चारों ही एक्सप्लोसिव हैं. तो आपको बीच में चाहिए बंदा जो आके कूल हेड, सब बोलते हैं एम एस धोनी, रोहित शर्मा कूल हेड है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैप्टन हैव अ वेरी कूल हेड इन दिस आईपीएल इटसेल्फ. अगर आप ऑलराउंड देखें तो श्रेयस भी बहुत कूल हेडेड है, तो यू नीड अ गाय लाइक हिम, कप्तान है, लीड कर रहे हैं, तो वो नंबर तीन पे आके इनिंग बिल्ड करेंगे, उसके बाद भी दो बैट्समैन है मारने वाले. स्टोनिस को मैंने इसलिए पिक किया है अबव एलेक्स कैरियस, क्योंकि आईपीएल में और एनी टी ट्वेंटी में आपको कम से कम छह बॉलर चाहिए, और स्टोनिस एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो नीचे आके भी एट विल मार सकते हैं, और वो आपको एक छठे बॉलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं. तो ये तो मेरा टॉप सिक्स हुआ है, कीपिंग बैटिंग एंड ऑलराउंडर्स इन माइंड. अभी ऑलराउंडर और भी बाकी हैं. हाँ, अब ये जो तीन बॉलर की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, यू नो रबाडा का कोई सानी नहीं है, लमी शाह ने भी, लकी भी कह रहा है कि हर जगह खेलता है, उसका एक्सपीरियंस इतना हो गया कि एज उसकी अब मैटर नहीं करती. ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा है, एवरीबडी नोज व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ. तो रवि अश्विन का सितारा जो है ना वो कुछ गर्दिश में है, तो ये इतनी इज्जत कैसे दे दी गई आज उसे? यार देखें, आपने लकी पाजी ने भी बात कही थी सीनियोरिटी की, बैटिंग लाइन में सीनियोरिटी होती है, बॉलिंग लाइन में भी सीनियोरिटी होती है. तो रवि अश्विन खुद कप्तान रहे हैं एक आईपीएल टीम के, और बहुत बड़े बॉलर रहे हैं, इतनी टेस्ट विकेट्स हैं, टी ट्वेंटी विकेट्स हैं, और वो खुद उन्होंने शुरू किया था एज ए यंगस्टर इन चेन्नई सुपर किंग्स, जब कोई नहीं जानता था, तो ही नोज, उनको पता है कि यंगस्टर से कैसे बेस्ट निकलवाना है, कि मेरा इन्फ्लुएंस क्या रहता है फील्ड पे. कभी कभी सिर्फ बॉलिंग की बात ही नहीं होती है, एक मेंटोरशिप की बात भी होती है ऑन फील्ड. तो रवि अश्विन आपके लिए वो ला सकते हैं, प्लस वो ऑफ स्पिन ही नहीं कराते, लेग स्पिन भी कराते हैं, कैरम बॉल भी मारते हैं, आर्म बॉल भी उनका बहुत अच्छा है, और वो बैटिंग में भी अगर जरूरत पड़ी तो नंबर तीन पे भी आके खेल सकते हैं इफ यू हैव टू बैटिंग में स्टे इन द इनिंग. तो एक तरह से वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, जस्ट लाइक अक्षर पटेल. अक्षर पटेल इज लाइक, सब कृणाल पांड्या की बात करते हैं, तो अक्षर पटेल मेरी नजर में कृणाल पांड्या से अच्छा प्लेयर है, बिकॉज ऑफ हिज हाइट, उसकी हाइट से वो अच्छी बॉल डालता है. इट्स जस्ट ही इज नॉट सोशली वो ज्यादा इतना वो पॉपुलर नहीं है, बट अक्षर पटेल बहुत अच्छा ऑलराउंडर है मेरी नजर में. आई थिंक कृणाल तो अपने भाई की वजह से ज्यादा पॉपुलर है भाई, इसलिए मेरे लिए अक्षर पटेल इस टीम में बहुत जरूरी है. अब संदीप लंबी समय पर जाएं तो अमित मिश्रा भैया हमारे सीनियर हैं, उनके साथ काफी क्रिकेट खेले हैं हम, लेकिन अगर मैं चौथा फास्ट बॉलर लाता ओवरसीज प्लेयर तो मैं अमित मिश्रा भैया को डालता समित लंबी छाने की जगह. लेकिन अच्छा, समित लंबी छाने की मेन चीज ये है कि अभी वो क्रिकेट खेल के आया है संदीप,
तो वो पूरे ग्रुप में है, ही इज इन द फॉर्म राइट नाउ. एब्सोल्युटली कंपेयर टू अमित मिश्रा भैया जो कब से घर पे बैठे हैं इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस. ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. ये बड़ी जबरदस्त बात कही है लकी करुण ने. थैंक यू करुण, आपने अपने थॉट्स और टीम शेयर की. लकी, इस टीम में अगर देखा जाए तो हेटमायर को उठा लो, आपकी अगर मैं वापस आता हूँ, हेटमायर को उठा लो, उससे क्रिकेट अभी खेली है, सीपीएल में खेल कर आ रहा है, संदीप लमिशा ने खेल कर आ रहा है, ठीक है जी. उसके अलावा स्टोइनिस ने खेली है, और कोई नजर नहीं आ रहा प्लेयर जो फ्लो में हो, कोविड की वजह से खेला हो. ये किस हद तक दिल्ली के अगेंस्ट जा सकती है ये बात? सलमान, अगर यही चीज देखेंगे तो फिर ये सारी सब टीमों में, मतलब जो ओवरसीज के चार प्लेयर जो अलाउड है, इट मींस कि उन चारों प्लेयर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने वाला है हर एक टीम के पास, जिनके पास पड़े हैं, जो सीपीएल खेल रहे थे या ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, जहां पे भी खेल रहे थे, इट मींस वो स्क्वाड में होंगे प्लेइंग 11 में, क्योंकि दूसरे तो वही इंडोर वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे करुण ने बताया, राइट, कि आप इंडोर की एक सेशन कर रहे हो, लेकिन ये लड़के नेचुरली क्रिकेट खेल रहे हैं जो क्रिकेट प्रॉपर थी, तो उसमें तो डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क है ना. तो ये यही फैक्टर है कि चारों के चारों जितने भी बड़े नाम हो या जिस लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर हो, बॉलर बैट्समैन हो, या बैट्समैन बॉलर हो, या कीपर बैट्समैन हो, जो भी हैं, जितने भी फ्रेंचाइजीज के पास हैं, वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे पहले एक दो या तीन मैचेस में, क्योंकि उतनी देर तक फिर इंडियन प्लेयर्स का रिदम बनता आएगा, आपको पता चलेगा कि कौन किस लेवल पे खेल रहा है, क्योंकि इन्होंने वाकई में इंडियंस ने तो खेली नहीं है क्रिकेट, राइट, नहीं खेली ये कोविड के कारण. तो डेफिनेटली जो खेल रहे थे, आपको उनमें से सब कुछ लेना है फिलहाल, उनके साथ ये टीमें चलेंगी जो सात प्लेयर इंडियंस होंगे. सही बात, बिल्कुल सही कह रहा. अच्छा, अब करुण आप पे आता हूँ. लकी ने बात करी कि ये बिल्कुल लैक ऑफ क्रिकेट भी थोड़ा अफेक्ट कर सकती है, कंडीशंस भी नहीं होंगी. किस कॉम्बिनेशन से दिल्ली टीम आपने शेयर करी, क्या कॉम्बिनेशन दिल्ली का स्ट्रेंथ होगा आपके ख्याल में अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में? देखो भाई, जब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा ऑक्शन की तरफ. जब ऑक्शन हुआ था तो हर टीम ने अपनी टीम चूज करी है बेस्ड ऑन देयर होम ग्राउंड. स्लो लो विकेट्स रहेंगी, किसी को नहीं पता था दुनिया में कि पेंडेमिक आने वाला है, हम किस देश में खेलेंगे, बिल्कुल. तो नोबडी कैन प्लान फॉर इट. लेकिन कुछ टीमें हैं जिनको इससे थोड़ा एडवांटेज भी हो सकता है, इफ नॉट डिसएडवांटेज, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, ये दो टीमें हैं, समवॉट मुंबई इंडियंस, जिनकी विकेट्स जनरली लो एंड स्लो विकेट्स हैं, तो इन्होंने उसी हिसाब से टीम पिक करी थी, एक्स्ट्रा स्पिनर्स, एक्स्ट्रा स्लो बॉलिंग ऑलराउंडर्स. जैसे आप लाइनअप भी देखेंगे, चेन्नई का आपने डिस्कस किया, जैसे मैंने जो अपना टीम बनाया उसमें तीन स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा दिल्ली के लिए यूएई में खेलने के लिए. ऊपर से दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बोला, काफी यंग टीम है, काफी यंग इंडियन लड़के हैं इसके अंदर, उनके लिए एक बड़ी पिक्चर है सामने देखने के लिए, विच इज इंडियन जर्सी. किसी ने अपना नाम दोबारा टीम में लाना है, किसी ने अपना नाम पक्का करना है टीम में, तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रहेगी. ऊपर से अगर आप कोचिंग स्टाफ की तरफ जाएं, तो अगर आपने आपका हेड कोच ही रिकी पोंटिंग है, इतना बड़ा कप्तान, इतने वर्ल्ड कप जीत चुका है, ऊपर से आपने फील्डिंग के लिए मोहम्मद कैफ को रखा है, आपने स्पिन बॉलिंग के लिए सैमुअल बद्री को लिया है, और फास्ट बॉलिंग के लिए रायन हैरिस को, तो आपने कुछ सोचा ही होगा इस बारे में कि हमने, हमारे पास जो स्क्वाड है, हमको फील्डिंग भी अच्छी करनी है, T20 स्पिन बॉलिंग की तरफ भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास दो लेग स्पिनर्स हैं और रिस्ट स्पिनर्स हैं, और रायन हैरिस को आपने लिया है कि भाई जो ऐसे कटर बॉलर्स हैं जैसे रबाडा है, ईशान शर्मा है, तो उनके साथ वर्क किया जाए. तो आई थिंक दिल्ली ने अपना होमवर्क बड़ा अच्छा किया था ऑक्शन से पहले, उन्हें प्लेयर ही उस हिसाब से लिए हैं, अब वो पे ऑफ होएगा इस यूएई में आके. अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त बात करी है लकी करुण ने कि यूएई में आके वो पे ऑफ होगा. अभी तक आईपीएल में बल्ले का मुकाबला गेंद से होता रहा है और बल्ला जीतता रहा, ठीक है, और पीएसएल में हम बात कर चुके हैं, गेंद जो है वो जीतती रही है, 140 150 के स्कोर में भी पकड़े जाती है टीमें वहां पे, ठीक है. अब जो करुण ने बात की कि हर टीम ने अपने ग्राउंड होम ग्राउंड के हिसाब से होमवर्क किया था, यहाँ पे दिल्ली ने बड़ी फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेली आज तक, कैपिटल्स ने हर टूर्नामेंट बड़ा फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलते हैं. क्या गेम बदलना पड़ेगा अपना इस साल उनको थोड़ा सा, या वो खेल पाएंगे अपना गेम, एक्सप्लोसिव जो गेम उनका है? सलमान, यही फैक्टर हर एक का पहला गेम बता देगा, पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से. क्यों? क्योंकि
डेफिनेटली ये इंटरनेशनल प्लेयर्स तो हैं कि भाई आप हमें जहां भी ले जाओ हम खेल लेंगे, लेकिन कहीं भी जाओ, जैसे हमारी इंडिया की टीम पाकिस्तान तो अभी नहीं ट्रैवल कर रही, इंग्लैंड जाती है, तो इंग्लैंड की हवा पानी में एक ही दिन लगता है, आपको पता चला था कि आप 300 वहां मार रहे थे, 350, आप आ गए 200-250 में। तो ये एक या दो मैचेस तो सलमान, पहले एक एक मैचेस तीनों, मैं कहता आया हूं, मैं हर एपिसोड में बोलने वाला हूं कि इतने के लिए इन्होंने ना पहला एक एक्सप्लोजन तो रोकना है, क्योंकि इनको उस लेवल पे समझना पड़ेगा कि भाई बल्ला बॉल मेरे बल्ले तक आ भी रही है कि नहीं, सही बात, या आ रही है तो कितनी तेज आ रही है, क्योंकि अगर पीएसएल में अगर रन नहीं बने हैं इसका मतलब बॉलर चढ़े हैं, तो इट मींस आप इस चीज को नकार नहीं सकोगे, आपको ये फैक्टर लेके चलना है कि ये बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थ्रेट रहता है, तो इट मींस अगर आप 5-7 ओवरों में अगर 4-5 विकेट गिरा दो तो फिर वो मर मर के 120-130 बनते हैं, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कैप्टन कूल कह रहे हैं कि अय्यर खड़ा हो गया, तो फिर वो 40 बॉलों में 40 बनाएगा, 50 में 50 बनाएगा, लेकिन थ्रेट ये रहेगा कि आप 180 बना के नहीं दे पाओगे, तो डेफिनेटली सिचुएशन तो इनको पढ़नी पड़ेगी, वो अब एक मैच हर जगह खेल के होगा डेफिनेटली। सलमान भाई एक मैं बात बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पे, लकी भाई ने बड़ी अच्छी बात करी है कि जैसे आपने भी बोला पीएसएल में बॉलर का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, हाँ, क्योंकि वहां पे टीमों में बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम अगर थोड़ा पीएसएल को पीछे छोड़ दें, नाउ वी टॉकिंग अबाउट आईपीएल, आप टीम्स के बैटिंग लाइनअप्स देखें जो लोग खेल रहे हैं उसके लिए, दैट्स वेरी डिफरेंट देन पीएसएल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हम पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि क्या स्कोर रहेगा कैसा रहेगा, हम उनसे अंदाजा ले सकते हैं, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप्स हैं, इवन बॉलिंग लाइनअप्स जो हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, जॉफ्रा आर्चर हैं, दुनिया के बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं आईपीएल में आके, तो आई थिंक अगर हम थोड़ा पीएसएल से हटें तो इसमें थोड़ा आईपीएल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, अंदाजा ले सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, दैट स्टैंडर्ड्स है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की, क्योंकि पिचेस का अंदाजा ले सकते हैं हम, ग्राउंड की कंडीशंस और उसकी स्लोनेस का अंदाजा लगते हैं, बहुत है। आखिरी सवाल शो के एंड में आ गए करुण, दिल्ली की शर्ट उतार दें और सच बताएं कि दिल्ली कहां तक जाएगी और सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली को कौन देगा। यार देखें, दिल्ली दा मुंडा हैगा, दिल्ली च पल्ले बड़े आपा ते दिल्ली नाल प्यार हैगा, अद्धे प्लेयर नाल आपा खेडे हां, तो मैं तो ये बोलूंगा कि हमेशा से ही ये ख्वाहिश रही कि दिल्ली जीते, और लास्ट ईयर वो इतना क्लोज आए थे तो मन में रहा कि आगे भी जाएं। इस साल अगर मुझे दिल से एक आ रहा है कि अगर इस साल कोई जीत सकता है तो दिल्ली का अगर चांस है तो इस साल है। देखें कई फैक्टर होते हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं शो में, उनमें से एक दो मिनट बोलना चाहूंगा, वो एक होता है कि क्राउड फैक्टर, राइट। कई बार क्या होता है कि कई प्लेयर होते हैं वो क्राउड के, दे फीड ऑफ फ्रॉम द क्राउड, लेकिन कई प्लेयरों के लिए क्राउड ना हो तो बहुत अच्छी बात है, शांति में खेलेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मे बी बेटर परफॉर्म करेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं है कुछ, वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है कि 70,000 लोग बैठे हैं बाहर, हम 4 रन चेस करने जा रहे हैं एक बॉल पे, 70,000 लोग चीयर कर रहे हैं आपका नाम, इस बार आप चुपचाप जाओगे, आराम से खेलोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, शायद बना दो। तो ओवरऑल अगर दिल्ली का चांस है तो इस साल है, लेकिन जैसा उन्होंने स्क्वाड बनाया है ये अगले 5 साल तक आपको अच्छा रन देगा अगर ऐसा रखा जाए तो। सबसे बड़ा कंपटीशन किससे है वो अगर मेरी तरफ से कोई देखे जाए तो सबसे बड़ा जो कंपटीशन इनको है वो है सनराइजर हैदराबाद से। अच्छा, वो एक ऐसी टीम है जिसके बारे में ज्यादा लोग कभी, आज तक जब से आईपीएल शुरू हुआ है, किसी ने नहीं बोला है, और वो हमेशा चुपचाप एकदम टॉप 4 में आ जाते हैं, टॉप 5 में आ जाते हैं, फाइनल्स में आ जाते हैं, क्वार्टर फाइनल्स में आ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी टीम है मेरे भाई, वो चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, बड़े बड़े नाम ले लो, मेरी आप बात सुनो तो दिल्ली कैपिटल हो, कोई भी हो, सनराइजर्स हैदराबाद इस साल सबको चौंकाने वाली है। जबरदस्त जुमला कह गए आप, वाकई में सनराइजर हैदराबाद का नाम नहीं सुनता, लेकिन वार्नर है वहां पे, राशिद खान जैसे प्लेयर्स भी वहां मौजूद है, अरे जॉनी बेयरस्टो है, केन विलियमसन है, राशिद खान है सबसे पहला बेहतरीन बॉलर इंडिया का, सब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार है, बहुत बड़ा लाइनअप है भाई उनका। एग्जैक्टली, आएंगे सनराइजर हैदराबाद को भी लेंगे, कवर करेंगे फॉर श्योर। इतना सही कह रहे हो करुण, सुनने में नहीं आता। लकी, आपकी तरफ आता हूँ, दिल्ली के मुंडे ने तो दिल्ली को दे दिया अपना वोट, आप किधर जाते हैं लकी, आपके ख्याल में दिल्ली कहां तक जाएगी और सबसे बड़ा चैलेंज उनको कहां पे मिलेगा इस आईपीएल में? मैं अभी भी स्टिक करूंगा कंडीशंस के साथ, ये टाइम लेंगे,
इनको टाइम चाहिए इस जगह में। हाँ कंपैरिजन तो दोनों का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, लेकिन हम इंडिया में नहीं खेल रहे, आईपीएल नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, बट ये कहीं और हो रहा है, टोटली अवे फ्रॉम यू नो होम कंडीशन, जहाँ पे इनको बहुत आसानी हो जाती थी, होम क्राउड मिलता था, क्राउड ऐसी चीज है कि कभी कभी हारा हुआ मैच भी जिता देती है, बिल्कुल, और जीता हुआ मैच भी हरवा देती है, होता है, मतलब जो एग्जांपल उन्होंने दिया है दैट इज मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं कि आप अभी एक ब्लैंक जगह में खेल रहे हो कि कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों बंदे आपको घर से भी देख रहे हैं, आप कहीं छुपे नहीं हो, तो वो डेफिनेटली है कि हाँ चीयर अप नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रेशर तो दिल्ली को भी रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट सलमान, पिछले साल का आईपीएल ऋषभ पंत ने बहुत जगह में बाजी मारी थी, हाँ। जो जो ये मैचेस हारे हैं, अगर वो इतना प्रिपेयर्ड हो के कि मैं इंटरनेशनली इंडिया की जर्सी के पीछे भाग रहा हूँ और मुझे ये लेनी है ना, तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा फैक्टर होगा, मैं बता रहा हूँ दिल्ली के लिए प्रेशर होगा वो जो मैं बात कर रहा था। उसके पास सब कुछ है, उसको सिर्फ एक मोमेंटम अपने अंदर बनाना है कि भाई मुझे 50 बॉलें खेलनी है या मुझे 60 बॉलें खेलनी है, मैं 150 बना दूंगा 60 बॉलों में, उसके पास वो शॉटे हैं, लेकिन ये बंदा ऐसा है कि छक्का मार के फिर छक्के की ट्राई में विकेट देके पूरा पैटर्न चेंज करवा देता है, पिछला साल यही हुआ है। इससे वो अगर बाहर आएगा तो दिल्ली वाकई में टॉप फोर में, तो डेफिनेटली सलमान ये कंपटीशन बहुत अजीबोगरीब होने वाला है। एंड प्लस जिन जिन का हम नाम नहीं ले रहे हैं ना, ये पंजाब हो गए, ये राजस्थान वाले हो गए, आप देखें ये कैसे उंगली करेंगे आपको, ये पूरा करोड़ ये कागज पूरा खुलेगा 2-4 हफ्तों के बाद सलमान, जब सब एक एक मैच खेल गए होंगे ना, ये तब खुलेगा अच्छी तरह। अभी तो हम सिर्फ कि हाँ भाई वो जीत के आए हैं, मुंबई के पास कप पड़ा हुआ है, चेन्नई के पास कप्स पड़े हुए हैं, वो चल रहा है ना, अभी ये 2-4 हफ्ते इन ग्राउंड्स में होने दो, उसके बाद कौन कितने पानी में सब समझ आएगा भाई। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की टूक उठेगी तो किंग इलेवन पंजाब निकलेगा, बताया नहीं था मैंने आपको। पंजाब पंजाब वहीं पे है सलमान, पंजाब मैं जानता हूँ पाजी को, मैं जानता हूँ पाजी से बात होती है, पाजी के दिल में यहाँ पंजाब इलेवन है, पंजाब इलेवन है, जानबूझ के पंजाब पे शो नहीं कर रहा हूँ सलमान। मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो दिखाना चाहूंगा, जो शर्ट आज मैंने पहनी है, ओह क्या बात है, रैप्टर्स, इसके पीछे एक रीजन है कि लास्ट ईयर इनसे भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे दिल्ली से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। आपने हैदराबाद का भी कह दिया, ये 3-4 टीमें जिनका नाम नहीं आ रहा सलमान, ये सब किसी ना किसी को कहीं ना कहीं हिलाएंगी, हिलाती आई है, सही बात, सही और बात। ये ऐसी जगह में गए कि ये अंडरडॉग्स की तरह आएंगे, अंडरडॉग्स हो गया, राजस्थान हो गया, जिनको आप कह रहे हो ना कि ये कहीं पे भी नहीं है, ये उनके लिए फायदेमंद है, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम तो वो फ्री है। अरे यू नेवर नो लकी बाजी, हर जगह चेन्नई सुपर किंग का नाम आ रहा है ना, तो बस यही है, वो उसका फायदा उठा सकते हैं कि भाई प्रेशर तो उनके ऊपर होगा। बाजी अब से 2 हफ्ते बाद हम बात कर रहे होंगे कि यार ये चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस को क्या हो गया, बॉटम फोर में इनको कैसे ऊपर लाया जाए, इस बारे में थोड़ा बताओ। यू नेवर नो, सब कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। और लकी जो बात कर रहे हैं कि लकी जो कह रहे हैं आईपीएल जरूर है लेकिन हो कहीं और रही है, इसका भी बहुत मेंटल फैक्टर है, हर टीम में 7-7 लोकली ग्रोन प्लेयर्स हैं जो जिनका एक्सपोजर थोड़ा कम होगा, देखते हैं करुण क्या होता है। बहुत बढ़िया आईपीएल होने वाली है, बहुत बढ़िया आईपीएल, ये तो है बिल्कुल, आई थिंक सबके लिए बड़ा इवन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज होगी आईपीएल। एग्जैक्टली सलमान, मेरा कहना ये ज्यादा था कि जब आप मतलब कोई भी बड़ी टीम अपने अवे गेम्स जब हार भी जाती थी ना, तो उनको एक सपोर्ट, ऐसा मोरल सपोर्ट अपने घर में आके मिलता था कि वो इतने बूस्ट अप हो जाते थे कि 200 भी बना है ना, हम 200 में बना देंगे, और बने हैं। लेकिन यहाँ नहीं होगा सलमान, वो बहुत फैक्टर चेंज आने वाले हैं, ये सारी चीजें दिखेंगी, ये कल से शुरू हो रहा है ना, कल दूर नहीं है भाईजान, आ गया कल, दिल्ली दूर नहीं है, कल दूर नहीं है, और आरसीबी के लिए शायद कब दूर है, लेकिन खैर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में, आगे इस पे जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने का, करुण आपका, लकी, मैंने कहा था बड़े वादे किए थे आज, तो बस मैंने जो ना शो शॉर्ट रख लिया, कि जो मजा आता है कॉन्वर्सेशन में, बातें फ्लो करती हैं, तो दिल नहीं चाहता उसको रोकने का, तो बहुत शुक्रिया करुण आपका टाइम देने का, लकी आपका शामिल होने का। मैं तो कहता हूँ फिर से वही बात कि शो बनता है इस पे एक और बार फिर से, जब लकी कहते हैं और करुण कहते हैं, मैं नहीं कहता भाइयों, मुझे कुछ ना कहना, कि जब सीएसके और मुंबई इंडियन बॉटम फोर में बैठी होंगी तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा बात करने के लिए। मजा आएगा कि वो वहां से निकल के आते हैं
तो उसको कहते हैं फिर वही बाजीगर कहते हैं ना, मतलब फिर तजुर्बा एक्सपीरियंस सबको सामने आएगा कि भाई यहां से अगर आप उठ के ऊपर आ रहे हो तो फिर डेफिनेटली या यू गाइज आर द बेस्ट। और एब्सोल्युटली वैसे इन्होंने करा भी है सलमान, ये भी किया हुआ है मुंबई ने, तो वैसे बहुत बारी कर दिया है वो स्टार्टर्स के रूप में। बट एनीवेज यहां पे तो स्टार्टर्स फंसेंगे, कलंदर हर बार ऐसे फंसी टीम होते होते भी, हाँ तो ये भी फंसेंगे, कोई ना कोई फंसेगा सलमान, कोई ना कोई फंसेगा भाई। कल कल तो ये मैच देखना बनता है, उसी से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सही बात है। और कल शुरू हो रहा है आईपीएल, हमारा सिलसिला जारी रहेगा आईपीएल कवरेज का बादशाह के ऊपर। क्रिकेट चैट विद करुण भी देखते रहे, करुण भी काफी शोज हुए लॉन्च करने वाले हैं आईपीएल पे, हम भी शायद वहां शामिल हो, ये यहाँ आते रहेंगे, इसी तरह चलती रहेगी हमारी गाड़ी। और वो जो बात करते ना कि चैंपियंस की, चैंपियन बनते हैं बड़ी मेहनत के बाद, तो हमारी मेहनत जारी है अपने आप को चैंपियन बनाने में। यूट्यूब पे आप हमें सपोर्ट करते रहे, करुण को हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, बहुत शुक्रिया गाइज ज्वाइन करने का हमें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड बाय। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज।